शिवपुरी फिजिकल थाना क्षेत्र में रात्रि में चोरों ने दो एटीएम को अपना निशाना बनाया है। ग्वालियर बाईपास के पास राधिका पैलेस के सामने से कटर मशीन से काटकर एटीएम से 22,89,000 रुपए निकाल कर ले गए। वहीं दूसरा एटीएम कमलागंज सब्जी मंडी के सामने से कटर मशीन से काटकर 19,26,500 रुपए निकाल कर ले गए। इस तरह से चोरों ने दोनों एटीएम को अपना निशाना बना लिया। सुबह होते ही एटीएम सफाई करने आया युवक ने देखा एटीएम की शटर लगी हुई थी। पास में दुकानदारों से पूछा, दुकानदारों ने बताया कि हमें मालूम नहीं है शटर क्यों बंद है। जब एटीएम की शटर खोलकर देखा तो एटीएम कटा हुआ पड़ा था, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। आनन फानन में आए एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया स्टाफ के साथ ग्वालियर बाईपास राधिका पैलेस के सामने एटीएम पर पहुंच गए। जांच अभी चालू है, देखिए क्या कहना है एसडीओपी अजय भार्गव का। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। यहाँ दो एटीएम को तोड़ा गया है, एक एटीएम से लगभग 22 लाख रुपए गए हैं और जो इस कमलागंज के आगे जो है उसमें से लगभग 19 लाख रुपए गए। सुबह जब इनको एसबीआई वाले जो मेंटेन करते हैं वो जब आए तो लगभग 10:30 बजे करीब घटना की जानकारी प्राप्त हुई। सर इसमें सीसीटीवी फुटेज में कोई आरोपी है? अभी सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया है, बाकी हम देख रहे हैं सभी सीसीटीवी फुटेज। एसबीआई वालों से ही बात कर रहे हैं कि परमानेंट चौकीदार जो थे कल ही कैश की रकम डाली गई है और चौकीदार एब्सेंट थे। सर अभी मौके पर पुलिस आई है, कल एब्सेंट क्यों थे? मौके पर पुलिस आई है, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया चोरी है। सर कैमरों पर भी स्प्रे वगैरह डाला गया है कुछ? हाँ, एटीएम के जो अंदर कैमरे लगे उनमें स्प्रे डाला गया है, किंतु जो बाहर एक लगा है कैमरा उस पर उनकी नजर नहीं गई, उसके फुटेज निकाले जा रहे हैं, उस पर स्प्रे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।